गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। तो जो हमारा DRDO है उसने अभी जो है एक रैमजेट टेक्नोलॉजी के इंजन को टेस्ट किया है रिसेंटली, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिल रही है हमको, जिससे कि हम लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को हम लॉन्च कर सकेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा रैमजेट इंजन होता है ये सुपरसोनिक स्पीड्स जो होती हैं, जो खासकर 5 मैक्स तक के आसपास तक होती हैं, उसको चलाने के लिए रैमजेट इंजन जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये रैमजेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसको रिसेंटली अभी DRDO ने टेस्ट किया है एंड इट विल हैव ह्यूज बेनिफिट्स फॉर आर डिफेंस फोर्सेज इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, ठीक है। तो देखते हैं कि रैमजेट, स्क्रैमजेट और ड्यूअल मोड जो रैमजेट इंजन होते हैं ये होते क्या हैं। एक रैमजेट इंजन जो होता है वो एयर ब्रीदिंग जेट इंजन होता है। मतलब क्या होता है उसमें कि जो एयर चाहिए होती है फ्यूल को कंबस्शन के लिए, मतलब फ्यूल को बर्न करने के लिए जो एयर चाहिए होती है, जो जब ये चल रहा होता है रैमजेट इंजन, जो उसमें एयर आ रही है, जो एयर जो मतलब एयर इसके साथ कॉन्टैक्ट में आती है, जो उसी का यूज़ करके कंबस्शन जो है वो इंजन करता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा सोर्स नहीं देना पड़ता कुछ कंबस्शन को कंप्लीट करने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ गैसेस नहीं देनी पड़ती, सो दैट कंबस्शन जो है वो फ्यूल की सही तरीके से हो पाए। तो उससे क्या होगा, अच्छी तरह से फ्यूल बर्न होगा, और जो है जो हमारा फ्यूल है जब वो अच्छी तरह से बर्न होगा तो जो हमारी स्पीड है इसको अच्छी मिलेगी, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इसको असिस्टेड टेक ऑफ की ज़रूरत पड़ती है शुरू में, इसको एक तरह से रैमजेट पावर्ड व्हीकल को जो है शुरू में एक बार टेक ऑफ करा के जो है एक रॉकेट असिस्ट की तरह, जैसे आपको पता है रॉकेट कैसे चलता है, ठीक है, फ्यूल से एक बार हम पुश कर देते हैं, उसके बाद ये जो रैमजेट इंजन है जब ये एयर के साथ कॉन्टैक्ट में आता है फिर ये अपना चलना शुरू करता है, और उसके बाद जो है ये सुपरसोनिक स्पीड जो है 3 मैक्स से के आसपास जो स्पीड्स हैं वो पकड़ लेता है ये, और इसकी स्पीड ऑलमोस्ट Mach 6 तक जा सकती है, ठीक है, रैमजेट इंजन की, ठीक है। तो रैमजेट इंजन, अब ये Mach क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो मतलब 3 Mach मतलब 3 times द स्पीड ऑफ साउंड, 6 Mach मतलब 6 times द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो जो रैमजेट इंजन है वो सुपरसोनिक स्पीड्स तक जो है किसी भी व्हीकल को लेके जा सकता है, ठीक है। तो हमने ये रैमजेट इंजन को भी टेस्ट किया है, ऑफकोर्स हमने स्क्रैमजेट इंजन का भी टेस्ट करना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा कि हमने हाइपरसोनिक स्पीड्स पे जो है अभी अक्टूबर नवंबर के आसपास हमने एक व्हीकल को डिमॉन्स्ट्रेट किया है तो उसके लिए स्क्रैमजेट इंजन चाहिए होता है, ठीक है। स्क्रैमजेट इंजन जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड्स मतलब 5 या 6 Mach से ऊपर की जो स्पीड्स हैं उसको अचीव करने के लिए स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जो कंबस्शन है वो कंबस्शन जो है वो सुपरसोनिक स्पीड पर हो रही है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही तेज़ी से जो कंबस्शन है वो हो रही है, उसकी वजह से ही हम इसको सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट कहते हैं, ठीक है, कि इसकी जो कंबस्शन है वो बहुत ही हाई स्पीड पर होती है, जो फ्यूल है वो बहुत जल्दी बर्न होके बहुत जल्दी जो है वो पावर कर देता है इंजन को, तो इसलिए जो है हम इसको सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट कहते हैं, तो ये स्क्रैमजेट कहते हैं इसको, ठीक है। रैमजेट जो है वो सुपरसोनिक स्पीड्स के लिए है, स्क्रैमजेट जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड्स के लिए है, ठीक है। एक होता है हमारा ड्यूअल मोड रैमजेट। अब ड्यूअल मोड रैमजेट में क्या होता है कि रैमजेट जो है शुरू में जो है इंजन जो है वो रैमजेट स्पीड्स पर जो है वो रैमजेट इंजन होता है, और फिर बाद में वो स्क्रैमजेट इंजन, जब उसको स्पीड अपनी हाई करनी होती है तो वो स्क्रैमजेट इंजन के कैरेक्टर्स को ले लेता है और Mach 4 to 8 रेंज तक अपनी स्पीड्स को पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से हम सबसोनिक सुपरसोनिक जो मोड्स हैं हमारे, अब सबसोनिक जो मोड है वो रैमजेट इंजन में होता है, सुपरसोनिक जो कंबस्टन का मोड होता है वो स्क्रैमजेट इंजन में होता है, तो ये दोनों ही मोड्स पे जो है वो वर्क कर सकता है, उसको हम कहते हैं ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S.J.Shankar जी, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को जो INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके साथ कनेक्ट करना चाहता है, सो दैट INSTC के जो बेनिफिट्स हैं वो चाबहार पोर्ट को मिल सके और चाबहार के लिंकेज के थ्रू हम INSTC के साथ कनेक्ट हो सके, ठीक है।
तो अब चाबहार क्या है, ठीक है, इंडिया और ईरान ने मई 2015 में एक एमओयू साइन किया था। ऑफकोर्स चाबहार जो है वो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 2003 का प्रोजेक्ट है, बट इसके ऊपर काम उस लेवल पर नहीं हो पाया। तो 2015 में एक एमओयू साइन हुआ और इंडिया जो है वहाँ पर चाबहार पोर्ट का फेज़ वन जो है वो स्टार्ट करा वहाँ पर, ठीक है। अब टू बर्थ बनने हैं, फर्स्ट जो है बर्थ वहाँ पर बनना शुरू हो चुका है, सेकंड जो है वो अब जो है ईरान जो है वो अपने ही आप जो है वो कह रहा है कि वो उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है चाबहार के बारे में, ठीक है, तो देखा है कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कांडला पोर्ट ट्रस्ट जो है वो बेसिकली जो जो एक तरह से जो JNPT और कांडला पोर्ट ट्रस्ट जो है उनकी एक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, वो जो है इन दोनों बर्थ्स को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या था कि ईरान ने बोला कि वो जो सेकंड बर्थ बनानी है वो ईरान चाहता है कि वो खुद बनाए उसको। सो इट इज़ ट्राइंग कि वो बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स, ईरान के ऊपर सेंक्शंस लगे हुए थे US के, तो इंडिया जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया था, तो ईरान ने कहा कि इट वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट द सेकेंड बर्थ इट्सेल्फ, ठीक है। अब चाबहार का फ़ायदा क्या है कि चाबहार जो है हमारे को जो हमने ज़ारांज देलारम एक रूट बनाया है, आपको दिखाता हूँ, ये है ज़ारांज, ये है अफगानिस्तान, ये वाला एरिया अफगानिस्तान है, ये है चाबहार पोर्ट, ये ईरान है, ठीक है। तो जो ज़ारांज देलारम राउट है इसको इंडिया ने 2009 में कंस्ट्रक्ट किया था। अब इस रूट से क्या होता है कि हमने पूरा जो गारलैंड हाईवे है हमारा, हेरात, देलारम, कंधार, काबुल, मज़ारे शरीफ, इस पूरे के पूरे जो है ये भी इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया, तो इस पे पूरा एक्सेस मिल गया हमको अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करने का। तो ऑलमोस्ट हम पूरे अफगानिस्तान में अपने गुड्स जो है वो चाबहार के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो चाबहार को हम कनेक्ट करेंगे ज़ारांज के साथ, और ज़ारांज देलारम की जो हमने एक तरह से रोड कंस्ट्रक्ट की हुई है 2009 की, वो हमारी जो गारलैंड हाईवे का एक्सेस मिलेगा उससे, और हमारे सारे गुड्स जो है वो हेरात, कंधार, काबुल, मज़ार शरीफ तक पहुंच सकेंगे, ठीक है। अब INSTC को देख लेते हैं, ये एक 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क है, शिप, रेल और राउट रोड तीनों का राउट है इसके अंदर, ठीक है। मतलब सिर्फ ये रेल रोड नहीं, ये रेल राउट्स नहीं है, रोड राउट नहीं है और शिप राउट नहीं है, तीनों के तीनों इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व किए हैं हमने। और इसमें इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी, सो दैट इंडिया से जो ट्रेड है वो पूरा सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुँच सके, ठीक है। अब इसको जो है रशिया, इंडिया और ईरान ने सेप्टेम्बर 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में जो है वो शुरू किया था, इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था, और जो इंटेंशन है इस प्रोजेक्ट की वो ये है कि इंडिया से जो है फ्रेट मूव होगा, फिर ईरान जाएगा, अजरबैजान जाएगा और रशिया तक पहुंचेगा वाया शिप, रेल एंड रोड, ठीक है। तो मेजर सिटीज़ कौन कौन सी पड़ रही हैं इसमें, मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्राखान, बंदर अंजाली एट्सेट्रा, ये सारी मेजर सिटीज़ इस INSTC के जो हमारे कॉरिडोर में पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हमारा था INSTC। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021। तो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हर साल आती हैं, ठीक है। तो इस साल की जो ये रैंकिंग्स आई हैं उसमें जो है फर्स्ट टाइम एक तरह से एक प्राइवेट, ओनली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का है वो है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का एक लॉ प्रोग्राम है, वो टॉप 100 की लिस्ट में आया है, और JNU का एक एंथ्रोपोलॉजी प्रोग्राम है वो भी टॉप 100 की लिस्ट में आया है सब्जेक्ट रैंकिंग्स में, ठीक है। ब्रॉड कैटेगरी में जो IIT बॉम्बे है वो इस बार 49th रैंक पे आया है, और इस बार जो IIT दिल्ली है वो 54th रैंक पे है। पिछले साल क्या था कि IIT दिल्ली वाज अहेड ऑफ IIT बॉम्बे, बट दिस टाइम IIT बॉम्बे हैज ओवरटेकन IIT दिल्ली, और ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये रैंक्स आए हैं, ठीक है। तो IIT मद्रास का रैंक 94 है, IIT दिल्ली का रैंक 54 है, IIT बॉम्बे का रैंक 49 है आउट ऑफ 100 टॉप ब्रॉड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड और 25 इंडियन प्रोग्राम्स हैं 12 इंस्टीट्यूशंस के, जिनको इस बार हमने जो टॉप 100 में फीचर हुए हैं, पिछली बार जो थे वो 27 प्रोग्राम्स थे, ठीक है। तो इस बार दो कम प्रोग्राम्स हैं ऐसे जो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन इस बार एक अच्छी न्यूज़ ये है कि
इंडिया ने COVID-19 के टाइम पे रिसर्च में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. ओवरऑल हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी हुई है, तो वर्ल्ड वाइड हमारा 5th रैंक आया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पब्लिश रिसर्च पेपर्स ऑन द पेंडेमिक. ठीक है, तो इंडिया ने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है जो है पेंडेमिक के टाइम पे रिसर्च में, तो वर्ल्ड वाइड हमारा इसमें 5th रैंक आया है. अब ये रैंकिंग्स देख लेते हैं. ये क्वाकरॉली साइमंड्स एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स आती हैं. ठीक है, तो ये ग्लोबल करियर एजुकेशन नेटवर्क है जो कि एनुअली पब्लिश करता है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स को. ठीक है, 6 पैरामीटर्स है और इसके वेटेजेस होते हैं डिफरेंट, उसके बेसिस पे ये रैंकिंग्स करता है यूनिवर्सिटी की. तो ये उसके पैरामीटर्स हैं, एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, साइटेशंस पर फैकल्टी एंड ऑल दैट. ये सारी जो है ये पैरामीटर्स के ऊपर जो है बेसिस पे ये रैंकिंग्स की जाती है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हरियाणा कोटा लॉ. अब ये हरियाणा का कोटा लॉ, आपको पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसको गवर्नर का भी असेंट मिल गया है, जिसके मुताबिक जो 75% जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं वो स्टेट के डोमिसाइल या स्टेट के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व रखी जाएंगी. ठीक है, अब इसके कंडीशंस क्या हैं कि 75% जॉब वो वाली जिनकी मैक्सिमम सैलरी अप टू जो मंथली सैलरी है वो पर ईयर पर मंथ जो है वो 50,000 तक है. ठीक है, तो उन केसेज में जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो लोकल रेजिडेंट्स के लिए रिजर्व रखी जाएंगी. ठीक है, अब ये सारी कंपनीज, सारी सोसाइटीज, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स या कोई भी कंपनी जिसमें 10 या फिर 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं उनमें ही ये कोटा एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो क्या हरियाणा सबसे पहली स्टेट है जिसने ऐसा कोई डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया? नो. 2019 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही एक तरह से लॉ पास किया हुआ है जो कि अभी कोर्ट में चैलेंज हुआ हुआ है. ठीक है, उसके ऊपर अभी बात चल रही है, देखा जा रहा है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है. ये अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो इस मैटर को डिस्कस कर रहा है. ठीक है, अब लीगल इश्यूज क्या हैं इस ऐसे लॉ को लाने में जिसमें कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन हो? अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में तो रिजर्वेशन पॉसिबल है, लेकिन जो है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है. ठीक है, फिर जो है आर्टिकल 16 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कहा जाता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का सबको अधिकार है, इक्वालिटी होनी चाहिए उसमें. ठीक है, और रिजर्वेशन के भी जो है क्राइटेरिया जो है वो हमारी गवर्नमेंट बना सकती है टू इंश्योर कि इक्वालिटी आए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में हम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें हम प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह की हम रिजर्वेशन ला सकें. ठीक है, तो अब इसको कहा जा रहा है कि वुड अ लॉ मैंडेटिंग रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर बी लीगली सस्पेक्ट? क्या इसमें कुछ लीगल इशू है? तो यस, कोर्ट ने जो है अब एक तरह से ये देखा जाएगा कि क्या स्टेट अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी एबडिकेट कर रही है. ठीक है, अब कैसे कर रही है? अब स्टेट की जिम्मेदारी ये है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर देकर जितने भी लोग जो है, अब अगर हम सिर्फ रिजर्वेशन हम जो है कास्ट बेस्ड कोटा के कंटेक्स्ट में देखें तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन लेके आके उन लोगों को जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ये प्राइवेट सेक्टर को कहती है तो वो अपनी जिम्मेदारी से हट रही है, क्योंकि उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करे. वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को जब वो ये कहेगी गवर्नमेंट कि आप रिजर्वेशन लेके आओ, तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है. और प्राइवेट कौन है? प्राइवेट हम लोग सिटीजन ही हैं, हमारी सिटीजन्स की कंपनीज हैं. तो एक तरह से हम वो सिटीजन को ही वापस कह रही है कि तुम्हारा रोल है जो है इनइक्वालिटी को मिटाने का. ठीक है, तो स्टेट इज डेलीगेटिंग इट्स रोल टू द सिटीजन्स बैक, और ये परमिसिबल है या नहीं है इसको कोर्ट जो है वो अब देखेगा. ठीक है, गवर्नमेंट का क्या कहना है कि ऐसे लॉ क्यों ला सकते हैं वो? ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है क्योंकि प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, उनको हम लैंड्स कम रेट पे देते हैं, सब्सिडाइज रेट पे देते हैं, उनको हम जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन्स देते हैं, टैक्स में एग्जेम्पशंस देते हैं और सब्सिडीज देते हैं बहुत सारी. तो इसलिए ये एक तरह से जायज़ है कि हम उनको ये कहें कि वो हमारे लोगों को या किसी भी तरह की रिजर्वेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में उसको अकोमोडेट करें. ठीक है, यही आर्ग्यूमेंट रख के हमने प्राइवेट स्कूल्स को भी कहा हुआ है कि आपको राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर जो
पुअर बच्चे हैं उनको 25% आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है सब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को तो एक्सेप्ट कर लिया, बट ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ठीक है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नो, 2004 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी बेसिकली, वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ऐसी एक कमेटी बनाई थी जिसमें कहा गया था कि रिजर्वेशंस जो है प्राइवेट सेक्टर में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आप एक डिसीजन लो, आप एक एडवाइस दो, ठीक है। तो तब बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस जब करी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सारे प्राइवेट लोगों के साथ, तो ये पाया कि ऐसे कोई लॉ अगर बनाया जाएगा तो उसको लीगल चैलेंज हो जाएगा और उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देगा और गवर्नमेंट की बहुत बदनामी भी हो जाएगी। तो उस पे लॉ जो है वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो उस टाइम पर नहीं लेके आए, ठीक है, और उन्होंने इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ डिस्कस करने से भी बचे वो ऐसा कोई लॉ, ठीक है। बट ऑफकोर्स वो लॉ था रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का, ठीक है। लेकिन ये लॉ जो है वो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन का है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि स्टेट के लोगों को ही नौकरी मिल सकती है, 75% जो है नौकरियां स्टेट के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। क्या ऐसे कोई अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है कि जो लोग अभी नीचे हैं, जो इन अनइक्वल हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए हम पॉजिटिव फॉर्म में डिस्क्रिमिनेट करें उन लोगों के साथ जो कि वेल ऑफ हैं, ठीक है। तो मतलब कि जैसे जो हमारे जो एक तरह से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो एक डिसएडवांटेज पोजीशन पे है, तो हमारे साथ या जो मतलब जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ पॉजिटिवली हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं जानबूझकर, सो दैट जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम ये अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू हम उन एक तरह से इक्वल लेवल पर लेके आ सकें, ठीक है। तो ऐसे लॉज जो हैं जो एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, ऐसे लॉज यूएस और कनाडा में भी हैं, ठीक है। देखो सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 है, ऐसे कनाडा में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट जो है वो है, लेकिन ये एक्ट कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को ऐसा नहीं कहते कि आपको एम्प्लॉयमेंट देनी ही उनको है, ठीक है। जस्ट अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो प्यूनिटिव प्रोविजंस उसके लिए हैं, ठीक है। मतलब समझ लो कि कुछ रेशियल एक तरह से अगर डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है किसी प्राइवेट कंपनी में, तो इस एक्ट के अंडर जो है उस कंपनी को पनिशमेंट मिलेगी। सिमिलरली कनाडा में भी ऐसा ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है उन एक्ट्स में प्रोविजन कि प्राइवेट जॉब में उनके लिए हम रिजर्वेशन रख देंगे या कोई एम्प्लॉयमेंट में उनको हम कोटा दे देंगे। नो, जस्ट अगर उनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। ऐसे लॉस यूएस और कनाडा में अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो अब ये मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 जो है इंडिया का एक विजन जो है वो रखा है सामने, ठीक है। अब वो क्या विजन है आइए देखते हैं। एक 10 साल का ब्लूप्रिंट दिया है जिसमें कहा है कि 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी पोर्ट प्रोजेक्ट्स में, जिससे कि हम 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जो सागरमाला इनिशिएटिव था इससे पिछला, उसको सुपरसीड करके अब हम मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को लेकर आए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट होगी, वाटरवेज को बनाया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इंडिया में बूस्ट की जाएगी, क्रूज टूरिज्म को इंडिया में लेके जाएगा एंड ऑल दैट, बहुत सारी ऐसी और चीज़ें जो कि मैरीटाइम हमारे इंटरेस्ट्स के को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। अब इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या है इस विजन के अंदर है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, एक 25,000 करोड़ का एक ऐसा फंड बनाया जा रहा है जिससे कि हम लॉन्ग टेन्योर फाइनेंसिंग दे सकते हैं सेक्टर को, जिससे कि पोर्ट्स जो है उनकी अच्छी डेवलपमेंट हो सके और जिसके अंदर सेंटर जो है वो 2500 करोड़ रुपए 7 साल के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ऐसे ही एक पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है, ठीक है, जो भी रिसेंटली आपको पता है ना मेजर पोर्ट्स बिल भी पास हुआ है, उसके अंदर ये पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसको बनाया गया है ताकि जो है ओवरसाइट के प्रोविजंस बनाए जो है वो बनाए जा सकें और उनको देख सके पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑटोनॉमस स्टेटस दिया है इसको ताकि मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स की हम एक तरह से डेवलपमेंट को देख सकें। फिर एक ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा इस विजन के अंडर, जिससे कि हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार को हम कनेक्ट कर सकेंगे विद जो है हमारे इनलैंड वाटरवेज या फिर मैरीटाइम कनेक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। फिर एक रिवरिन
डेवलपमेंट फंड बनाने की बात की जा रही है, जिसके अंदर हम फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म, जिससे कि हमारे जो इनलैंड वेसल्स हैं उनको हम प्रमोट कर सकें, उनको हम सपोर्ट कर सकें। फिर जो पोर्ट चार्जेस हैं उसको रैशनलाइज करने की बात है इसके अंदर। वाटर ट्रांसपोर्ट को इनलैंड हम आकर्षित करना चाहते हैं एक तरह से, ताकि जो हमारे अर्बन एरियाज़ में हमारा ज़्यादातर जो रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अवेलेबल है, रेलवे ज़्यादा अवेलेबल है, बट हम एक तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट को भी प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि जो है डी कंजेशन हो सके अर्बन एरियाज़ का, और ख़ासकर उन एरियाज़ का जहाँ पर रिवर्स वगैरह ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर हम वाटर ट्रांसपोर्ट को के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोविजन हैं, जैसे कि ग्रीन सस्टेनेबल पोर्ट्स बनाने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो है शेयर वो हम 60% तक करना चाहते हैं बाय 2030, और जो अभी 10% है, ठीक है। फिर ज़ीरो एक्सीडेंट पोर्ट्स का एक तरह से इन्होंने विजन रखा है 2022 तक का, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि इंडिया का शेयर जो सी फेयरर्स में 12% तक से लेके अब 20% तक इंक्रीज़ करेंगे। फिर जो है एनुअल पैसेंजर कैपेसिटी ऑफ 70 करोड़ लेके जाएंगे बाय 2030, जो कि अभी 14 करोड़ है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग विजन रखे हैं, ठीक है। अब इसमें सागरमाला को हम सुपरसीड कर रहे हैं, तो सागरमाला क्या है उसको भी देख लेते हैं। एक पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये, जिसको लॉन्च किया गया था ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, और ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा टाइम लगता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का उसको भी हम कर सकें, ठीक है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट एक तरह से प्रोग्राम था ये सागरमाला इनिशिएटिव, और हम इंस्टीट्यूशंस बनाने का इसमें प्रोविजन था कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं ताकि पोर्ट लेड डेवलपमेंट जो है वो फैसिलिटेट हो सके। फिर पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करने की बात की गई थी, मॉडर्नाइजेशन की बात की गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी, एफिशिएंट इवैक्यूएशन टू एंड फ्रॉम हिंटरलैंड, ठीक है। अब इंडिया के जो मेनलैंड में से जो है वो गुड्स को हम अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसके प्रोविजंस बनाए गए थे, चाहे उसके लिए इनलैंड वाटरवेज बनाए जाएं या कनेक्टिविटी देखी जाए रेलवेज़ की पोर्ट्स के साथ या रोड ट्रांसपोर्ट के पोर्ट के साथ, तो उसके लिए प्रोविजंस बनाए गए थे, ठीक है। फिर एक नेशनल लेवल पर नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि ओवरऑल हम पॉलिसी गाइडेंस और हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कर सकें, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ, ऐसे ही स्टेट्स के लेवल पर चीफ मिनिस्टर द्वारा हेडेड स्टेट सागरमाला कमेटीज़ बनाई गई थी, जो कि पोर्ट्स की जो है डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट कर सके नेशनल कमेटी के साथ, और जो है हमारे पोर्ट्स का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दीज वर आवर टॉपिक्स फॉर टुडे। वी विल मीट ऑन मंडे नेक्स्ट। एंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।